बिलासपुर हॉस्पिटल में कार्यरत फिजियोथेरेपिस्ट ज्योति ठाकुर की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट ज्योति ठाकुर के परिजन ने पुलिस व एसआईटी टीम पर इस मामले की जांच में विलंब के चलते लक्ष्मी नारायण मंदिर से एसपी कार्यालय तक काले बिल्ले लगाकर कैंडल मार्च किया। इस मार्च में ज्योति के परिजनों के साथ बिलासपुर की कई संस्थाओं ने उन्हें समर्थन दिया और उनके साथ मार्च में शामिल हुए। आपको बता दें कि 6 सितंबर को फिजियोथेरेपिस्ट ज्योति ठाकुर की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई थी, जिसमें परिवार वालों ने शक जाहिर किया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। इस दौरान एसपी बिलासपुर द्वारा इस मामले की जांच को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था, परंतु अब परिवार वालों का कहना है कि 1.5 माह हो गया है लेकिन अभी तक एसआईटी ने इस मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें एसआईटी पर भी शक है, क्योंकि बार बार एसआईटी अधिकारी उन्हें इस केस को बंद करने का दबाव डाल रहे हैं और उन्हें गलत बयान देकर गुमराह किया जा रहा है। इस तरह की परेशानी के मद्देनजर रखते हुए ज्योति के परिवार वालों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके एसपी बिलासपुर अंजुम आरा से न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से ये भी मांग की है कि अगर एसआईटी अधिकारियों द्वारा कोई भी जांच में खुलासा ना होने के चलते एसआईटी अधिकारी से भी जवाब मांगा जाए, ताकि परिवार वालों को भी सब पता चल सके कि सच आखिरकार क्या है। आज हम बिलासपुर में कैंडल मार्च कर रहे हैं, करने जा रहे हैं कि हमें हमारे ज्योति के लिए इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि कोई अच्छी टीम बुलाकर हमारे साथ खड़े होकर हमें इंसाफ दिलाए। हम लड़ रहे हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले, बट वो इंसाफ मिल नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से पुलिस ने एसआईटी भी गठित की है, बट एसआईटी ने भी 1 महीने में कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें उन्हें फिर से जगाने के लिए ये कैंडल मार्च करनी पड़ती है। और दिन में कैंडल मार्च की वजह ये है कि यहाँ पे दिन में भी अंधेरा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, केस बिल्कुल साफ है, उसके बाद भी पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है और उनका साथ दे रही है, जिससे हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है।